ओके दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत समय के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं दोस्तों आपका काफ़ी जो है मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें एक डाउट है। डाउट ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी बैटरी एकदम सही यानी फुल चार्ज हो चुकी है और सोलर चार्ज कंट्रोल ने उसकी इसमें जाने वाले इनपुट को रोक दिया है, वोल्टेज को, एम्पियर्स को रोक दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो सिंबल है ये पैनल का है, पैनल कनेक्ट है लेकिन ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। दैट्स मीन कि इनपुट रोक दी गई है इस कंट्रोलर के थ्रू। और ये रहा आउटपुट, आउटपुट में यहाँ से मैंने ऑन कर रखा है केवल, लेकिन यहाँ से ऑफ है तो लोड में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये फुल दिखा रहा है, बैटरी को फुल चार्ज दिखा रहा है। इस समय पैनल मिली एम्पियर्स में करंट दे रहा होगा, मीन्स 300 मिली एम्प्स या 400 मिली एम्प्स एम्पियर्स में करंट नहीं जा रहा, सिर्फ इतना करंट इसमें जा रहा है, इतने एम्पियर्स इसमें जा रहे हैं कि ये 14.4 वोल्टेज बरकरार रहें, बनी रहें इस बैटरी के लिए। क्योंकि लेड एसिड बैटरी सेल्फ डिस्चार्ज होती हैं, इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए ये उतने ही मिली एम्पियर्स दे रहा है। अभी दोस्तों आप कह रहे हैं कि अगर लेड एसिड बैटरी के लिए 14.4 वोल्टेज फुल चार्ज वोल्टेज होती है तो हमारी बैटरी जो है इवनिंग के टाइम जब कनेक्ट ये सोलर चार्ज डिसकनेक्ट हो जाता है तो हमारी वोल्टेज 12.6 के अराउंड आ जाती हैं। तो ऐसे केस में क्या हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है इतनी जल्दी, या फिर वो क्या है? तो दोस्तों मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको वही केस बनाकर दिखाता हूँ। इस समय आप देख सकते हैं कि सब कुछ सही है, सब कुछ कनेक्ट है। इवनिंग में आपके साथ क्या होता होगा मैं दिखाता हूँ आपके कंट्रोलर में। मैं यहाँ से पैनल को ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक। अभी मैं लोड लगाता हूँ। अभी आप देखिए कि वोल्टेज ऑटोमेटिक गिर रही है, मैंने लोड को ऑन भी नहीं किया है, ऑफ कंडीशन में है और ये ऑटोमेटिक इतना नीचे आ गया है। अभी जैसे ही मैं इस पर लोड लगाऊंगा, लोड को किया ऑन और आप देख रहे हैं कि वोल्टेज गिर रहे हैं। अभी लोड को मैं थोड़ा सा लोड को जो है मैं बढ़ा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये वही कंडीशन है, यही आपके साथ होता होगा इवनिंग में कि बैटरी इतना जो है कि हमारे वोल्टेज शो कर रही होगी। तो दोस्तों ऐसे केस में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बैटरी डिस्चार्ज है, 12.5 से लेके 12.6 12.7 तक बैटरी हमारी 98% चार्ज होती है। और दोस्तों अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये वोल्टेज गिर रहे हैं क्योंकि मैंने लोड काफ़ी ज़्यादा लगा दिया है, 8 एम्पीयर के अराउंड लोड लगा दिया, इसलिए वोल्टेज ये डाउन होते दिख रहे हैं। तो अभी जब भी आप मेज़र करें इस चीज़ को तो लोड को ऑफ़ कर दें, वही आपके एक्चुअल वोल्टेज आएंगी क्योंकि ये तो लोड लगने के बाद आपको वोल्टेज दिखाई दे रही हैं। लोड मैं ऑफ़ कर देता हूँ और जब आप देखेंगे, ठीक है, अभी आप देखेंगे वापस से वोल्टेज हमें हमारी आ गई है। बैटरी 12.5 12.6 वोल्ट के अराउंड है, इसका मतलब 98% बैटरी हमारी चार्ज है, हमें अभी कोई भी दिक्कत नहीं, बैटरी अच्छे से चार्ज है। तो दोस्तों आप अपने जो है इस डाउट को, कि मैंने समझता हूँ कि आप क्लियर हो गए होंगे इस डाउट से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, 12.6 बैटरी वोल्टेज पर जो है बैटरी हमारी ये 98% चार्ज है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 14.4 वोल्टेज ये तब होती हैं जब भी आप सोलर को कनेक्ट करेंगे, तभी ये धीरे धीरे करके 14.4 यानी 14.4 जो वोल्टेज है वो इसकी हम कह सकते हैं एक सस्टेन लिमिट है। उससे ज़्यादा वोल्टेज अगर बैटरी में जाएंगी, उससे ज़्यादा बैटरी वोल्टेज पर बैटरी को चार्ज किया जाएगा तो बैटरी जो है फुल जाएगी या जो है ओवर चार्ज होना शुरू हो जाएगी, जो कि बैटरी के लिए, लेड से बैटरी के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आप मेरी इस वीडियो को समझ पा रहे होंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।